वाकई ऐसे समय में जहां हम हैं, सनातन खतरे में है क्या, हिंदू खतरे में है क्या? इसके पीछे तथ्य है, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भी है। क्या वाकई सनातन को संभालने की जरूरत है? अगर है तो वो जिम्मेदारी किसकी है? पाकिस्तान से सारे हिंदू खदेड़ दिए गए, बांग्लादेश से सारे हिंदू खदेड़ दिए गए, कश्मीर से सारे हिंदू खदेड़ दिए गए। आज हिंदू अपनी सुरक्षा चाहता है, हिंदू अपना भला चाहता है, तो शास्त्र के साथ शस्त्र की विद्या भी आनी चाहिए। अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ और अपने बेटों को शिवाजी बनाओ। यदि नहीं बनाए तो ये बेटियां और ये बेटे आपस में आने वाले समय में मरने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि कश्मीर से खदेड़े गए तो दिल्ली बंबई में आके बसे। जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे कहाँ जाओगे? क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान इसका उदाहरण नहीं है? इसलिए आज हमारे भगवान ने गीता सुनाई अर्जुन को, गीता के ज्ञान की जरूरत थी। यदि आप गीता से समझें तो मैं आपको गीता समझाऊं, लेकिन आप गीता से नहीं समझेंगे तो सुदर्शन चक्र तो श्री कृष्ण को भी उठाना पड़ा। यदि कृष्ण को सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा तो इन बहन बेटियों को भी झांसी की रानी बनना पड़ेगा अपनी रक्षा के लिए। आप भी सीख लीजिए ये बात। नहीं, लेकिन क्या आप कह रहे हैं कि सनातन को हथियार उठा लेना चाहिए? क्यों सर, हमारे तो शंकर जी त्रिशूल लेके चलते हैं, हमारे तो हनुमान जी गदा लेकर के चलते हैं, हमारी तो दुर्गा तलवार लेकर के चलती हैं। क्यों? हमारे तो भगवान ही कह रहे हैं बांसुरी बजाने से काम हो जाता तो चक्र उठाने की क्या जरूरत थी श्री कृष्ण को? जहां जब आदमी बातों से ना समझे तो फिर उठाने पड़ते हैं। कानून का क्या होगा? कानून क्या हुआ? कानून का बांग्लादेश में है तो कानून, वो तो बांग्लादेश है ना, हम तो भारत। अरे भाई, तो क्या हुआ कानून का? जब कश्मीर से खदेड़े गए तब कहाँ था कानून? कश्मीर से खदेड़े गए तब भी तो कानून था, पुलिस थी, सेना थी, किसकी रक्षा हुई? सारे पंडित खदेड़ दिए गए। जिस दिन आएगा ना तो कानून धरा रह जाएगा। लेकिन इस बीच ये भी आपको नहीं लगता कि धर्म पे नाम पर उकसावा भी होता है? बांग्लादेश को देखने के बाद यहाँ पर ऐसे कह दिया जाता है? कैसे? हम तो आपकी रक्षा के लिए कह रहे हैं झांसी की रानी बनो। नहीं, महिलाओं को अपनी रक्षा की जब बात आती है ना तो आचार्य जी, तो आप भी जानते हैं, चाहे भागवत हो चाहे रामायण हो, महिलाएं कभी पीछे नहीं रही। लेकिन दूसरी बात यह कि धर्म के नाम पर उकसाना किसी भी धर्म के लोगों को, आपको नहीं लगता कि यह आपसी सौहार्द को भी बिगाड़ता है? देखो, हनुमान जी लंका गए तो वहां पर पूछा रावण ने, क्यों तुमने हमारे राक्षसों को क्यों मारा? तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, सुन रावण, मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। जिन्होंने मुझे मारा, अब हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार हो, हमारे साथ गलत हो और हम बैठे देखते तमाशा देखते रहें, इसके लिए हम मारेंगे नहीं। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन हमें कोई छेड़ेगा तो छोड़ते भी नहीं। अच्छा, आपकी ये बात सुन के तो हो सकता है कि कई लोग हथियार उठा लें गुरु जी, आपकी इन बातों को सुनकर हो सकता है कई लोग हथियार उठा लें, लेकिन आप फिर क्या करेंगे? ये बोला है कि पहले गीता पढ़ो, गीता पढ़ोगे शास्त्र पढ़ोगे तो शास्त्र ये बताएगा कि हथियार कब उठाएं कब ना उठाएं। हथियार का ज्ञान तो रखो, पर भाई पे उठाएं कि ना उठाएं, भाई पे क्यों उठाएं, अपनों पे क्यों उठाएं? हथियार उन पे उठाओ जब आपके देश पर संकट आए, आतंकवादी सामने खड़े हों और आपकी बहन बेटू की बेटी की आबरू लुट रही हो, उस समय आपको हथियार से बात करनी चाहिए, वहां गीता काम ना आएगी। तो महाभारत में तो हथियार ही उठा, फिर हुआ अंत क्या? महाभारत में तो हथियार ही उठा था, अंत क्या हुआ? हाँ, तो अंत जीत हुई सत्य की, तो मतलब पांडवों की। मतलब आप इस बात को सही कहते हैं कि अगर रक्षा में खून बहता है तो बहे। भाई, रक्षा में तो बहाना ही पड़ता है सरकार। कश्मीर से भागे तो थे, क्यों भागे? बांग्लादेश से क्यों भागे? मेरा मन क्या है, मैं चाहता हूं कि भागो मत, डटकर सामना करो। कहां भाग के जाओगे? इसलिए लड़ो, लड़ना सीखो अपने अधिकार के लिए। पांडवों ने अपने अधिकार की लड़ाई ना लड़ी होती तो क्या सीधे मुंह कौरव उनको दे देते राज्य? फिर सीधी बातें कोई नहीं सुनता। लेकिन एक पूरा जीवन बीत जाता है उस सच्चाई की लड़ाई में, इससे बेहतर है कि मध्यस्थता करकर अगर आपसी बातचीत से सौहार्द बन जाता है तो फिर क्या दिक्कत है? ये भी एक विकल्प है ना। हम थोड़ी कह रहे हैं कि लड़ो, पांडवों का जीवन संघर्ष पूर्ण था, कहीं भागे गए तो थे शांति, कहीं भागे लाक्षाग्रह में आग लगा दी, फिर जान बचा के भागे, फिर कहीं छिपे, फिर वहाँ सतपुड़ा की गुफाओं में चले गए, तो कहाँ जीवन जिया उन्होंने? यही हुआ ना। लेकिन अगले आरोप पर आते हैं, क्योंकि आपसे तो ये बातचीत बीच बीच में हमारी चलती है। कौरवों को समझाने श्री कृष्ण गए थे शांति का प्रस्ताव लेकर, कहा था दुर्योधन 5 गांव दे दो, बोला सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, दुर्योधन की विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए हम सनातनी है, हम किसी को मारते नहीं है बेवजह। हम गीता से समझाएंगे आपको, भैया गीता समझेगा
रामायण से समझेगा नहीं समझेगा, फिर बता कैसे समझेगा। चलिए अगले आरोप की तरफ बढ़ते हैं। आपके जो आरोपों की लिस्ट है, फेरिस्ट है, उसमें से अगला आरोप दिखाइए अनिरुद्ध आचार्य पर क्या है। तो आचार्य जी, आप पर अगला आरोप है दलितों और अंतर जातीय विवाह का विरोध आप करते हैं, और हम आपको सुनवाते हैं, फिर हम आपसे जवाब लेते हैं। सुनवाई। विवाह वैश्यों में और शूद्रों का विवाह शूद्रों में, क्या से कभी शेर पैदा हो सकता है? फिर जिसका कोई नियम नहीं है, और तुम अच्छे घर की बहू बेटी हो, कल को तुम मां बनोगी, लड़की ब्राह्मण है और पिता शूद्र है। अब जो तुम्हारी औलाद होगी, संतान, तुम उसे क्या नाम दोगे? वो ब्राह्मण कहलाएगा कि शूद्र कहलाएगा? बताओ ना, वो पूरा ब्राह्मण हुआ ना वो पूरा शूद्र हुआ, वह हो गया वर्ण संकरी। वर्ण संकरी का मतलब विचारों की संकीर्णता, छोटे विचार वाला, छोटी बुद्धि वाला। देखो ऐसा है, हमारे यहाँ तो यही परंपरा बनी, जितने यहाँ बुजुर्ग लोग हैं वो सब ये जानते हैं कि हमारे यहाँ विवाह तो पानी पियो छान के विवाह करो जान के, है ना। विवाह के समय पे बहुत पड़ताल होती है, तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे बाप दादों का नाम क्या है। भाई ये विवाह है, कोई बाजार नहीं है कि हम आलू बैंगन खरीद रहे हैं। बेटी के लिए जीवन भर के लिए लड़का चुन रहे हैं, लड़की चुन रहे हैं, उसके लिए ब्राह्मण एक विचारधारा है। ब्राह्मण की विचारधारा, ब्राह्मण की विचारधारा वाली लड़की हो, ब्राह्मण की विचारधारा वाला लड़का हो, तो दोनों का बढ़िया चलेगा। क्षत्रिय विचारधारा की लड़की हो, क्षत्रिय विचारधारा का लड़का हो, ये विचारधारा, ब्राह्मण क्या एक विचारधारा, क्षत्रिय क्या एक विचारधारा है, एक व्यवस्था है। और ये व्यवस्था क्या है कि ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्यों में। ये यदि हो गया तो क्या होगा, वर्ण संकरता फैलेगी। पुराणों में लिखा है कि वर्ण संग भय वर्ण संकर सब भिन्न सेतु सब लोग, रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखा लिखी है ये बात कि भय वर्ण संकर सब। आज लगभग लोग वर्ण संकरी हो रहे हैं, और वर्ण संकरी जब होंगे तो क्या होगा, पितर तुम्हारे पानी नहीं लेंगे तुमसे। श्राद्ध करने का अधिकारी वो बालक नहीं होता जो वर्ण संकरी होता है। तो जो परंपरा है उन्हें फॉलो करना है। आज की आधुनिकता के नाम पर ये नहीं कि जो अच्छा लगा, माई लाइफ माई च्वाइस, का है भैया भाई थोड़ी कोई परंपरा भी है कि नहीं। यदि सारी चीज़ें माई लाइफ माई च्वाइस में आ जाएंगी तो फिर परंपराओं का, संस्कारों का क्या होगा? तो वो चीज़ें भी तो आपको ही बचा के चलनी। सुनो, गुलाब होता है, यदि वाइट कलर के गुलाब को रेड कलर के गुलाब से मिक्स किया जाए, दोनों की कलम जोड़ी जाए, तो उससे जो गुलाब होगा ना वो तीसरे कलर का होगा। ये बात आप मानते हैं? उसी तरह कि ब्राह्मण से, ब्राह्मण और क्षत्रिय से दोनों के मिलन से जो संतान होगी वो तीसरी कहलाएगी ना, वो ब्राह्मण ना क्षत्रिय, वो वर्ण संकरी कह, उस इस वर्ण संकरता से बचना है। आज हमारे देश में मुगल आए तो क्या मुगल स्त्रियों को लेकर आए थे? वो सारे मुगल आए और भारत की स्त्रियों पर अत्याचार किया, और भारत की स्त्रियों से उन्होंने संतान उत्पत्ति की, और फिर उनकी संतान आज जितनी है लगभग ये सारी वर्ण संकरी हैं। वो आज भारी हैं, वो परेशान कर रहे हैं, पूरे देश में दंगा और फसाद की स्थितियां उत्पन्न होती हैं कई बार। प्रश्न है महाराज जी इसी पॉइंट पे, क्योंकि भी एक सवाल मैंने पूछा था हिंदू खतरे में सनातन के लिए जुड़ना, एक साथ इकट्ठा होना। दूसरा पहलू आपने कहा कि आप समाज को तोड़ते हैं, ये आरोप आपके लग गया। अगर सनातनी इकट्ठा है तो फिर आपके शब्दों से तो भी ऐसा लग रहा है कि आप जो है वर्णों में उसे बांट दे रहे हैं, जातियों में बांट दे रहे हैं। मैं नहीं, जातियां कोई मैंने नहीं बनाई। वेदों में लिखा है ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ये मैंने नहीं बनाई। भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, चरणों से शूद्र का प्राकट्य हुआ, ये मैं नहीं कह रहा, वेद कह रहे हैं। तो जब व्यवस्था बनी है तो उस व्यवस्था को फॉलो की जाए ना। आप देखो वहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये व्यवस्था है। ये कैमरे वाले भैया वहाँ खड़े हैं, ये व्यवस्था। अब मैं जाके वहाँ कैमरा घुमाने लग जाऊँ तो कुछ ना आएगा भाई। जिसकी जो व्यवस्था है उसको रहने दो। ये ब्राह्मण की व्यवस्था है, क्षत्रिय की व्यवस्था है, वैश्य की व्यवस्था है, शूद्र की व्यवस्था है। आप फिर राधा और कृष्ण के प्रेम को कैसे परिभाषित करेंगे? प्रेम, प्रेम तो होना ही चाहिए, राधा कृष्ण तो पति पत्नी है ना। का उनके प्रति समर्पण आप कैसे परिभाषित भाई? वो तो पति पत्नी है ना राधा कृष्ण, और पति पत्नी खूब प्यार करें, आपको क्या दिक्कत है? उनकी कृष्ण जी की पत्नी थी राधा जी। हाँ, आपने नहीं पढ़ा?
बताइए आपने नहीं पढ़ा। कौन थी रुक्मणी? कौन थी रुक्मणी? भी पत्नी है। दिक्कत क्या है इसमें? आप बताओ राधा कौन है? राधा भी लक्ष्मी है। रुक्मणी कौन है? रुक्मणी भी लक्ष्मी है। अब आप कहो कि दो लक्ष्मी, आप के पिताजी आपको लक्ष्मी बोलते हैं, मेरी बेटी तो राधा जी से विवाह का उल्लेख कहीं आया है क्या? मुझे तो ज्ञात नहीं है, मैं इसलिए पूछ रही हूं। गर्ग संहिता ले आइए, खरीद के पढ़िए। गर्ग संहिता ले आइएगा, उसमें राधा जी का कृष्ण से विवाह हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण खरीद के ले आइएगा, उसमें राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन हुआ है। वृंदावन आइएगा, भांडीर भट्ट मैं आपको ले चलूंगा, आज भी वो स्थान है जहां ब्रह्मा जी ने राधा जी के साथ श्री कृष्ण का विवाह कराया है। जो लोगों को जानकारी नहीं है तो वो आजकल लड़का लड़की क्या करते हैं, अरे तुम मेरी राधा बन जाओ। ये तो केवल भ्रमित कर रहे हैं लोग राधा के नाम पर समाज को। राधा कृष्ण तो सदा से पति पत्नी है। राधा कौन है? साक्षात महालक्ष्मी। फिर आप मुझे बताइए इस परिपेक्ष में कि कृष्ण की दो पत्नियां, दो नहीं 16,108, मैं उनकी बात बता रही हूँ जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो तो गोपियां भी हैं, उनके प्रति प्रेम में जो उनका समर्पण था, पत्नियां हैं लिखित में 16,108। इससे मैं वाकिफ हूँ जो आप कह रहे हैं, मैं इससे वाकिफ हूँ जो आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा इसमें ही जानना है कि आज के परिपेक्ष में आप इसे सही ठहराएंगे? किसको? अनेक पत्नियों को। अच्छा, पति का मतलब जानते हैं क्या होता है? बताइए पति का मतलब आप ही बता दीजिए, आप ही सब ज्ञान वर्धन कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं। हमारे यहाँ पति होता है राष्ट्रपति। हमारे यहाँ एक पति होता है सेनापति। पहले हर राजा के पास एक पति था, सेनापति। अब सेनापति था तो सबके पति पा रक्षणे धातु से पति बनता है, जो रक्षा करे उसे पति कहते हैं। और आप एक आरती गाते हैं, गाओ मेरे संग, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। तो सब आप जो प्राण ले रही हो मेरी बहन, ऑक्सीजन, तुम्हारे भी पति भगवान ही हैं। और ये भैया खड़े हैं, इनके पति भी भगवान। हम सब प्राण ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, तो लिखा ना तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, तो सबके पति पारक्षण धातु से पति, जो रक्षा करे। हम सबकी रक्षा भगवान ही कर रहे हैं। अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए मर गए लोग, तो भगवान ही तो सबका पालन कर रहे हैं। तो भगवान सबके पति। मीराबाई ने पति रूप में चाहा कृष्ण को, आपको कोई एतराज मीरा से? तो फिर पत्नी का उल्लेख भी कर, पहले मेरी प्रश्न का उत्तर दो जी, कि मीरा ने कृष्ण को पति रूप में चाहा? कोई एतराज नहीं, वो उनकी भक्ति है, उनका समर्पण है। सतयुग त्रेता द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर की जितनी स्त्रियां मीरा जैसी होती हैं, जो कृष्ण को पति रूप में चाहती हैं, वो सारी नारियों को भगवान द्वापर में इकट्ठा करते हैं। सबके लिए अलग अलग तो आ नहीं सकते ना, तो सबको इकट्ठा करते हैं और भगवान आते हैं और सबके पति के रूप, पत्नी के रूप में स्वीकार करके सबका मन। आज के परिपेक्ष में अगर कोई लड़की, कोई स्त्री इस तरह के प्रेम में हो तो आप उसका उल्लेख कैसे करेंगे? क्योंकि उस पर भी मैं आऊंगी। मीराबाई तो प्रेम करती थी श्री कृष्ण से। नहीं तो अगर आज के परिपेक्ष में कोई लड़की किसी के प्रति इतना प्रेम रखती हो तो उसका उल्लेख आप कैसे? भाई भगवान के प्रति रखे तो अच्छा है ना, ये लिविन में रह के क्या कर लेगी? भाई मीरा ने किससे प्यार किया? किसी लड़के से किया, जगत के पालनहार से ना किया। तो भगवान से प्यार करना कौन सा गुनाह है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान को आप पति रूप में चाहो, पिता रूप में चाहो, यशोदा ने पुत्र रूप में चाहा, द्रौपदी ने भाई के रूप में चाहा, अर्जुन ने मित्र के रूप में चाहा, जिसने जिस रूप में चाहा भगवान ने उसे उस रूप में दर्शन दिया। तो पति रूप में चाहा, पति रूप में मिल गए।